गुड मॉर्निंग एवरी वन आज हम लोग रेसियो चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं ठीक है और सारे क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज एक एक करके क्लियर करने वाले हैं तो चलिए देर ना करते क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं और इससे पहले जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें क्लियर है तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन देखिए इसमें दिया गया है यदि एक्स प्लस वाई टू एक्स माइनस वाईज टू थ्री इज टू टू है तब एक्सर प्लस वाई स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्र क्या होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ठीक है और ये क्वेश्चन आपका एस एस सी शिफ्ट डी में पूछा गया है तो देखिए क्या करना है तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है एक्स प्लस वाई और इस टू का मतलब होता है बट्टा क्लियर तो बट्टा दे देना है और वाई, तो टू तो है और तो इसको हम लोग लिख सकते थ्री बाई टू अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन टू इन क्लियर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू कितना हो जाएगा एक्सप्ल वाई और यहां पे हो जाएगा थ्री इंटू एक्स माइनस वाई अब देखिए टू से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा टू इंटू एक्स टू एक्स फिर टू इंटू वाई टू वाई फिर क्या होगा थ्री एक्स माइनस थ्री वाई अब एक्स वाले को एक साइड अगर करेंगे तो टू एक्स है इसको इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा थ्री एक्स और माइनस थ्री वाई है इसको इस पार ले जाएंगे तो माइनस टू वाई हो जाएगा अब इसे इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव वाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा अब क्या आया एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई अब देखिए यहाँ से हम लोग को रेशियो मिल गया यहाँ से कैसे रेशियो मिल गया देखिए समझिए y को इस पार लाएंगे तो कितना हो जाएगा x बाई वाई क्लियर y जो है मल्टीप्लाई में है इस पार आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और फाइव है ही नीचे में कुछ नहीं है फाइव के बाद कुछ भी नहीं है तो नीचे में हम लोग वन लिख सकते हैं तो देखिए रेशियो मिल गया एक्स इज इक्वल टू फाइव हो गया एक्स और वाई का रेशियो देखिए ऐसे हो गया बट्टे को हम लोग अब रेशियो में लिख देंगे फाइव इंस टू वन हो जाएगा तो रेशियो सिर्फ आया अभी हम लोगों का अब देखिए क्या करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स की जगह पे हम लोग फाइव रखेंगे और वाई के जगह पे वन रखेंगे तो एक्स की जगह पर फाइव रखिए तो कितना है एक्स स्क्वायर है मतलब फाइव का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर फिर रेशियो फाइव स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस वन का स्क्वायर वन और यहां पे भी वही होगा ट्वेंटी फाइव माइनस वन अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स इज टू ट्वेंटी फोर टू का टेबल में ट्वेल्व बार में टू का टेबल में थर्टीन बार में थर्टीन इज टू ट्वेल्व ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्लियर है अब देखिए और एक चीज माइंड में रखिएगा आंसर तो हम लोग आ गया ये वाला जो सोल्यूशन हम लोग किए इतना बड़ा किए इसको हम लोग और एक तरीका से कर सकते हैं वो तरीका भी जानिए अब हम दो तरीका इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके देखिए इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं देखिए क्या कर सकते थे ये हम लोग को दिया गया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री और x माइनस वाई इज इक्वल टू टू इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्लियर x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री और x माइनस वाई इज इक्वल टू टू अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए ये कट जाएगा कितना होगा टू एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू मतलब कितना टू पॉइंट फाइव एक्स का वैल्यू हमको मिला तो वाई का इजीली निकाल सकते हैं देखिए एक्स का यहाँ पुट करेंगे 2.5 और कितना देंगे कि थ्री होगा तो बोलिएगा जीरो पॉइंट फाइव ठीक ये तो माइंड में हो जाएगा तो देखिए दोनों का आ गया वैल्यू हम लोग को तो दोनों का रेशियो यहाँ पे आ गया एक्स और वाई एक्स कितना है टू पॉइंट फाइव और यह आया जीरो ये हो गया रेशियो रेशियो को करने छोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर देंगे फाइव पॉइंट जो फाइव 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 जै ट्वेंटी फाइव तो फाइव इज टू वन यहाँ से भी हम लोग को रेशियो मिल जाएगा और ऐसे भी हम लोग को रेशियो मिल जाएगा दोनों तरीका आप लोगों को माइंड में रखना है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है एक कक्षा में साठ लड़के और लड़कियां हैं तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा हम हम लोग लोग ऑप्शंस ऑप्शंस का मदद लेंगे ठीक है को देख के सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं देखिए तो कौन सा नहीं होगा अनुपात यह हम लोग को फाइंड करना है तो माइंड में रखिएगा कि वही अनुपात नहीं होगा जिसको ऐड करके इससे डिवाइड नहीं होगा देखिए मतलब समझिए सिक्सटी है अभी सबसे ऐड करके डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स और वन सेवन सेवन से क्या डिवाइड होगा क्लियर तो सेवन से ये डिवाइड नहीं होगा तो ये वाला अनुपात नहीं होगा इसमें देखिए टू और थ्री फाइव तो फाइव क्या है फाइव से ये डिवाइड हो जाएगा थ्री और और कितना हो जाएगा फोर तो फोर से भी ये डिवाइड हो जाएगा थ्री और सेवन टेन टेन से भी ये डिवाइड हो जाएगा तो आपको सिर्फ उस रेशियो को देखना है जिस रेशियो को ऐड करके इससे डिवाइड नहीं होगा तो सिर्फ यही रेशियो है मतलब वन इंटू सिक्स इससे वन इंस टू सिक्स जो है इसको ऐड करेंगे तो वन और सिक्स सेवन हो रहा है सेवन से ये डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब क्या हम लोग का आंसर यही वाला हो जाएगा ये हम लोग आंसर हो जाएगा क्लियर है अगर पूछता क्वेश्चन को थोड़ा भी कर सकता है लेकिन सही अनुपात जब पूछेगा तो चार को इस का ऑप्शन देगा और एक टाइप का ऑप्शन देगा समझ में आ रहा है इसमें दिया गया है पंद्रह और पैंतालीस का तीसरा अनुपात क्या होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखिए इसमें क्या करना है पंद्रह है पैंतालीस है इसका तीसरा अनुपातिक क्या होगा तो तीसरा हम लोग x मान लेते हैं अब इसका मतलब क्या होगा देखिए ये दोनों को एक साथ लिखेंगे पहले ये दोनों को एक साथ लिखेंगे मतलब पंद्रह बट्टा पैंतालीस इतना लिखना है अब क्या करेंगे ये दोनों को एक साथ लिखेंगे पैंतालीस बट्टा एक्स क्लियर है ध्यान समझिएगा पहले ये दोनों को लिखें फिर ये दोनों को एक साथ लिखें अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन देना है अब सॉल्व करना है आंसर आ जाएगा देखिए क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन एक्स इज इक्वल टू फोर्टी फाइव इंटू फोर्टी फाइव हो जाएगा अब क्या होगा एक्स इज इक्वल टू फोर्टी फाइव इंटू फोर्टी फाइव और ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा फिफ्टीन का टेबल में ये थ्री बार में अब एक्स इज इक्वल टू थ्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 135. ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात फोर्टी नाइन इशू ट्वेंटी फाइव है तब उनके आयतन का अनुपात क्या होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखिए क्या करना है पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया गया है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है फोर बाई आर स्क्वायर फिर अनुपात बोला गया दो गो का तो बट्टे में हम लोग लिख सकते हैं फोर पाई आर स्क्वायर और ये दिया गया हम लोग को कितना फोर्टी नाइन ईज टू ट्वेंटी फाइव तो फोर्टी नाइन बाई ट्वेंटी फाइव हो जाएगा क्लियर अब आर को हम लोग आर वन कर लेते हैं आर आर टू कर लेते हैं तब पहचान पाएंगे क्लियर इसीलिए आर वन और आर टू कर दिए ताकि पहचान सके अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा अब हम लोग क्या बचेगा आर वन का इस, आर वन आर टू अब ये स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर जाके रूट में चढ़ जाएगा तो रूट फोर्टी नाइन बाई ट्वेंटी फाइव अब इसको निकालेंगे रूट से तो कितना हो जाएगा 49 का 7 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा मतलब R1 का वैल्यू हम लोग को 7 मिला और R2 का वैल्यू 5 मिल गया अब पूछा गया तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा तो आप लोगों को पता है कि गोले का आयतन हो जाता है 4 बाय थ्री पाई आर क्यूब और इसी का तो रेशियो पूछा है दोनों का तो क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब तो ये आर वन कर दीजिए ये आर टू कर दीजिए अब देखिए फोर बाई थ्री पाई यहाँ पर भी फोर बाय थ्री पाई है तो ये कैंसिल हो जाएगा देखिये आर वन का क्यूब तो आर वन कितना है सेवन तो सेवन का क्यूब कितना हो जाएगा फो, थ्री, थ्री। अब आर टू का क्यूब तो आर टू फाइव है तो फाइव का क्यूब वन टी फाइव ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है एक आदमी कुछ पेन वन बाय थ्री इज टू वन बाई फोर इज टू वन बाई फाइव इज टू वन बाई सिक्स के अनुपात में ए बी सी और डी में वितरित करता है तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखिए क्या करना है ये जो आपको भिन्न के रूप में दिया गया रेशियो इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करिए तो पहले एक बार लिख लेते हैं वन बाय थ्री है वन बाई फोर है वन बाय फाइव है और वन बाय सिक्स है अब इसको सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग नीचे में जो भी है वो संख्या सबको एल्शियम निकालेंगे एल्शियम हम लोग को निकालना है किसका नीचे में जो है थ्री फोर फाइव और सिक्स इसका एल्शियम निकाल लीजिए तो देखिए टू का टेबल में जाएगा टू टू जहा फोर फाइव टू थ्री जहा सिक्स अब देखिए थ्री का टेबल में हो जाएगा थ्री वन जो थ्री फिर टू होगा फिर फाइव फिर थ्री वन ज थ्री अब जाने वाला है नहीं अब मल्टीप्लाई करिए कितना होगा टू थ्री जो सिक्स सिक्स टू जो ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव जिक्सटी तो एलसीएम तो हम लोग का सिक्सटी आया अब क्या करना है सिक्सटी से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए सिक्सटी से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा अब देखिए थ्री से ये कैंसिल हो जाएगा ट्वेंटी बार में फोर से ये हो जाएगा फिफ्टीन बार में फाइव से ये ट्वेल्व बार में और सिक्स से ये टेन बार में तो कितना हो गया ट्वेंटी इज टू फिफ्टीन इज टू ट्वेल्व इज टू टेन ये हम लोग का सिंपल रेशियो में भी कन्वर्ट हुआ आंसर अभी हम लोग का नहीं आया है अब हम लोग को पूछा गया है तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी मतलब कम से कम पेन कितना होगा ये कि सब में हम लोग बंटवारा कर सकेंगे सब में वितरित कर सकेंगे तो देखिए क्या करेंगे ये सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी और फिफ्टीन थर्टी फाइव थर्टी फाइव और ट्वेल्व फोर्टी फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन और टेन कितना हो जाएगा फिफ्टी सेवन तो फिफ्टी सेवन ये न्यूनतम संख्या होगा तो ऑप्शन डी में देखेंगे तो फिफ्टी सेवन दिया गया है लेकिन अगर ऑप्शन कुछ और दे देता फिफ्टी सेवन ऑप्शन में रहता ही नहीं क्लियर है ऑप्शन अगर कुछ और रहता जैसे हम थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर रहे हैं तो क्या करते हम लोग देखिए ऑप्शन को हम चेंज कर दें अब क्या करते हैं हम लोग चेक करते हैं कि ये इससे कौन वाला ऑप्शन डिवाइड हो जा रहा है इससे कौन वाला ऑप्शन डिवाइड हो जा रहा है तो जो ऑप्शन डिवाइड होगा वही हम लोग का आंसर होगा लेकिन न्यूनतम से हम लोग को स्टार्ट करना है न्यूनतम संख्या बोला गया है तो चारों में न्यूनतम ये दिख रहा है इसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे अगर डिवाइड लग गया तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा तो फिफ्टी सेवन से ये डिवाइड हो जाएगा टू बार में क्लियर है फिफ्टी सेवन टू जा वन हंड्रेड फोर्टीन तो ये हम लोग का हो जाएगा मतलब हम समझाना ये चाहते थे कि अगर ऑप्शन दूसरा दिया जाए तो आप लोगों को चेक करना है डिवाइड करके जैसे ये भी ऑप्शन देख लीजिए इसमें आप लोग क्या करना है इससे इसको डिवाइड करके चेक कर लेना है कि जो वाला नंबर ठीक है ये चारों में से जो नंबर डिवाइड हो जाएगा इससे वो हम लोग का आंसर होगा तो डिवाइड ये हो रहा है तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है तीन सात और पंद्रह का चौथा समानुपात क्या होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थ्री के जैसे सॉल्व होगा देखिए क्या करना है दिया गया आप लोगों का तीन सात और पंद्रह इसका चौथा बोला गया है चौथा समानुपात चौथा हम लोग एक्स मान लेंगे अब देखिए क्या करेंगे दो दो का पेयर बन जा रहा है उसमें क्लियर है तो थ्री और सेवन को लिखेंगे थ्री और सेवन को लिखेंगे एक साथ तो थ्री बाय सेवन हो जाएगा फिर फिफ्टीन और एक्स को लिखेंगे तो फिफ्टीन बाय एक्स हो जाएगा इक्वल टू लगाइए बीच में और सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू सेवन अब क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू Seven, और ये इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा थ्री का टेबल में ये फाइव इंटू सेवन कितना हो जाएगा थर्टी फाइव ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है यदि किसी आयत की लंबाई फोर इंटू फाइव बढ़ाई और चौड़ाई थ्री टू टू घटाई जाती है तब उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में कम होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखिए क्या करना है आयत है तो आयत एक ड्रॉ कर लेंगे क्लियर ले है अब ये बोल रहा है फोर इंटू फाइव बढ़ाई जाती है मतलब चार था आयत इसका मतलब ये कहना चाहता है चार लंबाई था अब बढ़ के क्या हो गया फाइव हो गया चौड़ाई क्या हो गया बढ़ गया लंबाई क्या हो गया बढ़ गया चार से पांच हो गया और चौड़ाई थ्री टू टू घटाई जाती है तो चौड़ाई थ्री था अब घट के कितना हो गया टू हो गया क्वेश्चन यही बोलना चाहता है तो उसका क्षेत्रफल किस अनुपात से कम होगा तो देखिए आयत का क्षेत्रफल हम लोग को पता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है तो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है दोनों गुना कर दीजिए तो फोर थ्री जा इसका क्षेत्रफल इतना हुआ अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फाइव टू जा टेन लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल तो फाइव टू जेट टेन अब ये रेशियो पूछा है तो रेशियो ये हो जाएगा रेशियो को थोड़ा छोटा कर लीजिएगा तो सिक्स बार में चल जाएगा तो तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है यदि ए बाई बी टू बाई थ्री तब फाइव ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर बी इज टू थ्री ए स्क्वायर ए थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखिए यहाँ से हम लोग को ए का वैल्यू और बी का वैल्यू मिल गया देखिए ए का वैल्यू टू और बी का वैल्यू थ्री तो एक जगह पे टू पुट कर दीजिए और बी के जगह पे थ्री देखिए सॉल्व करिए तो फाइव इंटू एक एक जगह पे टू पुट करेंगे तो टू का क्यूब कितना हो जाएगा थ्री ए टू का क्यूब एट हो जाएगा माइनस टू इंटू ए स्क्वायर तो एक जगह पे टू पुट करेंगे तो टू का स्क्वायर फोर इंटू बी के जगह पे थ्री रेशियो है थ्री इंटू एक ही जगह पे टू है और बी स्क्वायर तो मतलब थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन माइनस बी क्यूब तो बी की जगह पे थ्री है तो थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन अब इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा फाइव एट जा फोर्टी माइनस टू फोर ए टू फोर जा एट एट थ्री जा ट्वेंटी फोर यहाँ पर हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स सिक्स नाइन जा फिफ्टी फोर माइनस ट्वेंटी सेवन अब इसे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए टेन इसे कैरी लिए लीजिए टेन टेन से फोर गया सिक्स थ्री से टू गया वन अब इसे इसको माइनस करेंगे तो इससे वन कैरी लेंगे फोर्टीन से सेवन जाएगा सेवन हो जाएगा ये फोर हो जाएगा फोर से टू जाएगा टू हो जाएगा तो सिक्सटीन इज टू ट्वेंटी सेवन ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है नौ और पंद्रह का तीसरा अनुपात क्या होगा तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं तो देखिए क्या होगा नाइन है फिफ्टीन है और इसका तीसरा बोला गया तो तीसरा हम लोग एक्स मान लेंगे अब इसका पेयर बना लेंगे मतलब जोड़ा बनाइए तो नौ और पंद्रह का एक जोड़ा बना और पंद्रह और एक्स का एक जोड़ा बना तो दो पेयर बन गया अब इसको सॉल्व करेंगे तो पेयर बनाने का मतलब क्या नाइन बाई फिफ्टीन लिखेंगे इज इक्वल टू फिफ्टीन बाय एक्स लिखेंगे जो भी पेयर बना उसको बाय के फॉर्म में लिखेंगे अब बीच में इक्वल टू लगा देंगे अब इसको सॉल्व करिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा नाइन एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन अब हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन और डिवाइड में आ जाएगा नाइन तो देखिए थ्री का टेबल में थ्री बार में थ्री फाइव जा फिफ्टीन अब थ्री का टेबल में ये फाइव बार में तो कितना हो जाएगा फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है यदि ए बाई बी इज इक्वल टू सेवन बाई नाइन बी बाई सी इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव तो अब ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखिए ए बी और सी तीनों का बात किया गया है ए बी सी का रेशियो तो देखिए ए और बी का दिया गया है ए और बी का सेवन और नाइन है तो सेवन और नाइन लिख लीजिए अब देखिए बी और सी का दिया गया थ्री और फाइव तो जस्ट इसके नीचे में लिखेंगे नाइन के जस्ट नीचे में लिखेंगे कितना लिखेंगे बी का थ्री है और सी का फाइव है इतना ही माइंड में रखना है बी और सी का लिखा हुआ है थ्री और फाइव तो बी का थ्री और सी का फाइव जस्ट नाइन के नीचे में ही लिखना है अब ये रेशियो हो गया अब यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होता है देखिए ऐसे करना है फिर ऐसे कर दीजिए और फिर ऐसे कर दीजिए क्लियर ऐसे 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 कर देना है क्लियर और इस ट्रिक का यूज़ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में करने वाले हैं तो इसीलिए इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा देखिए ऐसे किए अब इसका मतलब क्या है ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो सेवन इंटू थ्री कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन इसको मल्टीप्लाई करिए ऐसे दागी का मतलब क्या है ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन अब इस दागे का मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन फाइव या फोर्टी फाइव क्लियर है अब इस रेशियो को हम लोग छोटा करेंगे अगर कटेगा तो छोटा करेंगे नहीं कटेगा तो नहीं करेंगे तो लेकिन ये छोटा होने वाला है कटने वाला है तो देखिए थ्री कटेबल का में काटिए थ्री सेवन या ट्वेंटी वन थ्री नाइन या ट्वेंटी सेवन और फिफ्टीन थ्री या फोर्टी फाइव मतलब थ्री फिफ्टीन या फोर्टी फाइव देखिए सेवन इज टू नाइन इज टू फिफ्टीन ये हम लोग का आंसर हो जाएगा और ये छोटा होने वाला है नहीं क्लियर तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है यदि एस टू बी सेवन इंस टू एट और बी इंस टू सी सेवन इंस टू नाइन तब एस टू बीस टू सी क्या होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन जैसे सॉल्व होगा देखिए ए बी सी का वैल्यू पूछा है ए बी सी का रेशियो पूछा है तो ए बी सी लिख देना है और रेशियो निकालेंगे देखिए ए इंस टू बी कितना है सेवन इंस टू एट सेवन इंस टू एट ए और बी के जगह पे लिख देना है और बी इंस टू सी सेवन टू नाइन है तो बी और सी के जगह पे सेवन टू नाइन लिखेंगे कहा देखिए बी और सी बोला गया तो बी के जस्ट नीचे से लिखेंगे कितना सेवन और सी का नाइन है अब जिग जेक कर दीजिए अब इसको सॉल्व करिए ऐसे करने का मतलब कि ये दोनों को मल्टीप्लाई सेवन सेवन जब फोर्टी नाइन हो जाएगा एट सेवन जब फिफ्टी सिक्स और एट नाइन जब सेवनटी टू और ये देखेंगे हम लोग कटेगा कि नहीं तो ये हम लोग देखेंगे कि किसी का टेबल में नहीं कटने वाला मतलब यही रेशियो हम लोग का हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है ए इी फाइव इंस टू एट और बी इू सी इलेवन इज थर्टीन है यदि ए इज इक्वल टू वन हंड्रेड टेन तब सी का मान क्या होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका एस एसडी में ग्यारह मार्च दो हजार उन्नीस के शिफ्ट टू में पूछा गया है तो देखिए करना क्या है सबसे पहले आप लोग ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल लीजिए ए बी और सी तीनों का बात किया गया है तो तीनों का रेशियो निकालिए तो देखिए ए और बी का दिया गया कितना फाइव एट है और बी और सी का दिया गया इलेवन इंस टू थर्टीन है अब ऐसे कर देना है और निकालिए देखिए तो फाइव इंटू इलेवन कितना हो जाएगा फिफ्टी फाइव इलेवन एट जा एट्टी एट और थर्टीन एट जा वन हंड्रेड फोर तो देखिए सबका रेशियो हम लोग को मिल गया तीनों का रेशियो मिल गया अब दिया गया है यदि ए इज इक्वल टू वन हंड्रेड टेन मतलब ए का वैल्यू हम लोग को दिया गया वन हंड्रेड टेन तो ए ये है इसका वैल्यू वन हंड्रेड टेन है तो क्या पूछा है तो सी का मान क्या होगा तो ये हम लोग को फाइंड करना है देखिए इसका ये कितना मल्टीपल है इसका ये कितना मल्टीपल है ये हम लोग को देखना है तो इसको टू से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतना आ जाएगा अब बोलिए कि कैसे चेक करेंगे कि टू से ही मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं करना है इस चीज़ को आप लोग को डिवाइड कर देना है ये तो देख के पता चल जा रहा छोटा है छोटा वैल्यू है कहीं यहाँ पर बड़ा वैल्यू रहता तो क्या करते हैं तो हम लोग कुछ नहीं करते इस चीज़ को डिवाइड करके चेक कर लेते कि कितना का टेबल में कितना बार में आ रहा है तो इस चीज़ को डिवाइड करने से भी पता चल जाएगा इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो टू आएगा क्लियर तो ये टू से मल्टीप्लाई हुआ तो तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं टू से मल्टीप्लाई करके लेकिन तीनों का नहीं निकालना है हम लोग को सी सिर्फ सिर्फ सी का निकालना है तो सी का वन है तो टू से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा टू अगर इसका पूछता तो इसको भी हम लोग निकाल सकते थे देखिए क्या करते हैं टू एट या सिक्सटी का सिक्स कैरी वन टू एट या सिक्सटीन और वन सेवेंटी इसका निकालने बोलता तो इसका वन हंड्रेड सेवन होता लेकिन हम लोग को सी का पूछा गया इसीलिए टू होगा और एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए देखिए यहाँ पे हम लोग को ए का वैल्यू दिया गया है वन हंड्रेड टेन तो ए का वैल्यू हम लोग का कितना आया फिफ्टी फाइव तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे कि फिफ्टी फाइव इज टू वन हंड्रेड टेन तो सी का वैल्यू पूछा गया तो सी कितना है वन हंड्रेड फोर तो वन हंड्रेड फोर इज इक्वल टू ये हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 ये नीचे में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में दोनों तरीका आप लोग माइंड में रखिएगा कहीं कहीं ये तरीका यूज होगा और ये तरीका भी आप लोग का बहुत क्वेश्चन में अप्लाई होगा इसलिए ये तरीका को भी माइंड में रखना है तो देखिए इसका टेबल में टू बार में टू इन टू वन हंड्रेड फोर टू हंड्रेड एट क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है यदि है तो देखिए हम लोग को पी बाई क्यूज क्यू बाई आर इज टू आर बाई पी फाइंड करना है तो देखिए सबका वैल्यू हम लोग को दिया गया बस पुट करिए तो पी बाय क्यू कितना हो जाएगा फाइव बाई थ्री फिर इज टू क्यू बाई आर तो थ्री बाई सिक्स हो जाएगा इज टू आर बाई पी कितना हो जाएगा सिक्स बाई फाइव अब ये जो रेशियो जो है ठीक है भिन्न के रूप में है इसको हम लोग को सिंपल फॉर्म में जब चेंज कर देना है तो देखिए सिंपल फॉर्म में चेंज कैसे कर सकते हैं तो पिछला सब क्वेश्चन में मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो, तो क्या करना है नीचे में जो भी वैल्यू है उसका हम लोग क्या करेंगे एल्शियम कर लेंगे क्लियर है तो नीचे में क्या है थ्री सिक्स और फाइव ये तीनों का एल्शियम कर लेंगे तो एल्शियम करेंगे कितना हो जाएगा थ्री वन जे थ्री थ्री टू जो सिक्स और फाइव कितना हो जाएगा थ्री टू जो सिक्स सिक्स फाइव जो थर्टी तो एल्शियम हम लोग का थर्टी आया कुछ करना नहीं अब थर्टी से सबको मल्टीप्लाई कर देना है सबको थर्टी से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना भी एल्शियम आया सबको तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब देखिए थ्री से ये टेन बार में कैंसिल हो जाएगा सिक्स से ये फाइव बार में कैंसिल फाइव से ये सिक्स बार में कैंसिल अब मल्टीप्लाई करिए टेन फाइव जा फिफ्टी थ्री फाइव जा फिफ्टीन और सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स ये हम लोग का आंसर हो जाएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है यदि को फाइंड करना तो स्टेप में, में, में तो हम लोग को देखिए कैसे निकालना है ए का निकालना है तो ए को धप दीजिए ठीक है ए को छिपा दीजिए बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा थ्री और सेवन बच रहा है थ्री सेवन या ट्वेंटी वन क्लियर है बी का निकालना है तो बी को हटाइए और बाकी जो दो को दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना है टू और सेवन टू सेवन जा सी से का निकालना है तो सी को हटा दीजिए बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो तो हम लोग का नहीं यही हम लोग का रेशियो हो जाएगा तो ट्वेंटी वन फोर्टीन सिक्स किसमें दिया गया ट्वेंटी सिक्स ऑप्शन बी ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इसमें दिया गया है यदि एस यू इसका रेशियो दिया गया टू नाइन सिक्स सेवन और एस प्लस यू प्लस वी प्लस डब्लू एट सिक्सटी फोर है तो एस प्लस यू प्लस डब्लू क्या होगा बहुत सिंपल है देखिए चारों का रेशियो दिया गया है और चारों को ऐड करके इतना है तो चारों रेशियो को भी हम लोग ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा टू और नाइन इलेवन इलेवन और सिक्स सेवनटीन सेवनटीन और सेवन कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर और इसका वैल्यू देखिए सारे रेशियो को ऐड किए और ये कितना दिया गया है एट सिक्सटी फोर सबको ऐड करके एट सिक्सटी फोर दिया गया है तो हम लिख सकते हैं ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू एट सिक्सटी फोर हम लोग को फाइंड करना है एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू तो एस ये है यू ये है और w ये है तो ये तीनों को ऐड करिए टू और नाइन इलेवन इलेवन और सेवन एट्टीन हो जाएगा तो एट्टीन इज इक्वल टू हम लोग को निकाल देना है तो देखिए क्या हो जाएगा एट सिक्सटी फोर और ये इधर आ जाता है डिवाइड में और ये इधर मल्टीप्लाई में बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है अब देखिए कटेगा सिक्स थ्री या एट्टी सिक्स थ्री या एट्टीन सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर फोर का टेबल में टू बार में एट फोर वन या फोर टू बचा फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर अब मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा जा थ्री सिक्स जो एट्टीन का एट कैरी वन थ्री वन जो थ्री और वन फोर थ्री टू जो सिक्स तो सिक्स फोर्टी एट ये हम लोग का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है यदि एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू वाई बाई फाइव इज इक्वल टू जेड बाई नाइन तो एक्स इज टू वाई इज टू जेड होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है बस देख के आंसर होगा हम लोग का ठीक है जब भी इस फॉर्मेट में दिया रहे जब भी इस फॉर्मेट में दिया रहे माइंड में रखिएगा जब भी इस फॉर्मेट में दिया रहे तो एक्स के नीचे में जो है वो एक्स का रेशियो हो जाएगा वाई के नीचे में जो है वो वाई का हो जाएगा और जेड के नीचे में है वो जेड का हो जाएगा मतलब एक्स इज टू वाई इज टू जेड कितना हो जाएगा थ्री इज टू फाइव इज टू नाइन ये कब होगा जब इस फॉर्मेट में रहे और इसको माइंड में रखना है क्योंकि बहुत क्वेश्चन में ये सब कॉन्सेप्ट का यूज होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात फोर्टीन इंस टू ट्वेंटी फाइव है यदि उनके बीच का अंतर टू सिक्सटी फोर हो तब छोटी संख्या क्या होगी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ठीक है देखिए दोनों का अंतर दिया गया टू सिक्सटी फोर तो हम लोग रेशियो का अंतर कर लेंगे मतलब फोर्टीन और ट्वेंटी फाइव ये जो दोनों रेशियो दिया गया है इसका अंतर कर लेंगे अंतर मतलब क्या बड़ा से छोटा को माइनस करना है तो बड़ा क्या है ट्वेंटी फाइव है और छोटा क्या है फोर्टीन है इसे इसको माइनस करेंगे तो इलेवन आएगा तो देखिए रेशियो का अंतर कितना है इलेवन और संख्या का अंतर कितना है टू सिक्सटी फोर तो हम बोल सकते हैं इलेवन इज इक्वल टू टू सिक्सटी फोर तो बोला गया छोटी संख्या क्या होगी तो छोटी संख्या दोनों में से कौन होगा जो संख्या छोटा देखने में लग रहा है तो ये ट्वेंटी फाइव ये बड़ा संख्या हो जाएगा और ये छोटा संख्या तो छोटा संख्या क्या है फोर्टीन तो फोर्टीन इज इक्वल टू हम लोग को निकाल देना है तो क्या हो जाएगा टू सिक्सटी फोर और ये नीचे में आ जाएगा और ये वाला मल्टीप्लाई में चल जाएगा अब देखिए इलेवन का टेबल में ये कैंसिल होगा इलेवन टू जा ट्वेंटी टू बचेगा हम लोग का कितना फोर इलेवन फोर जा फोर्टी फोर अब फोर्टीन का टेबल में इसको मल्टीप्लाई करिए तो फोर्टीन फोर जा फिफ्टी सिक्स का सिक्स कैरी फाइव फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट और फाइव थर्टी थ्री क्लियर है फोर्टीन फोर जैसा फिफ्टी सिक्स का सिक्स कैरीफाइव हो गया फोर्टीन टू जैसा ट्वेंटी फोर और फाइव थर्टी थ्री तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है नाइन और थर्टी सिक्स का तीसरा समानुपात क्या होगा तो देखिए क्या करना है नाइन और थर्टी सिक्स इसका तीसरा समानुपात पूछा गया है तो इसको हम लोग एक्स मान लेंगे और पेयर बना लीजिए क्लियर है तो दो दो का पेयर बन गया अब पेयर बनाने का मतलब है नाइन और थर्टी सिक्स को बट्टे के फॉर्म में लिखेंगे फिर थर्टी सिक्स और एक्स को बट्टे के फॉर्म में लिखेंगे क्लियर है दो दो का पेयर बना तो दोनों को बट्टे के फॉर्म में लिख दिया फिर दोनों को बट्टे के फॉर्म में लिख दिया बीच में इक्वल टू लगाना है अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा नाइन एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स अब क्या होगा एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स और ये नीचे में आ जाएगा डिवाइड में नाइन का टेबल में फोर बार में तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो तो होगा वन वन फोर्टी फोर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है दो आदमी पी और क्यू की आयु का अनुपात फाइव इंस टू सेवन है आठ वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी देखिए ये एज का क्वेश्चन है क्लियर है लेकिन रेशियो से रिलेट करता है इसलिए रेशियो चैप्टर में इसको इंक्लूड कर दिया गया है क्लियर तो देखिए जब भी एज का क्वेश्चन पूछा जाए और डबल रेशियो दिया रहे मतलब यहाँ पे भी रेशियो रहे और इधर भी रेशियो मतलब दो गो इस टाइप का रेशियो रहे तो सॉल्व कैसे करना है देखिए माइंड में रखिएगा देखिए पी और क्यू की आयु काुपात इतना है दिया गया है फाइव इंस टू सेवन दिया गया तो फाइव बाई सेवन हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पे कितना आठ वर्ष पूर्व उनका कितना हो जा रहा है सेवन बाई थर्टीन हो जा रहा है सेवन इंट थर्टीन मतलब क्या सेवन बाय थर्टीन अब देखिए ये होने के लिए कब लग रहा है आठ वर्ष पूर्व बोला गया है तो ये सब में एक्स लगा दीजिए इतना करना है क्लियर है इतना समझ में आया अब बोल रहा है आठ वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था तो आठ वर्ष पूर्व मतलब क्या ये वर्तमान का है ये वर्तमान का है वर्तमान से पूर्व जाएंगे तो क्या करते हैं माइनस करते हैं आठ वर्ष बोला गया इसलिए माइनस आठ करेंगे देखिए इस चीज को माइंड में रखिएगा पूर्व वर्तमान और बाद पूर्व मतलब हो गया पास्ट और बाद मतलब हो गया फ्यूचर तो देखिए जब ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग को ऐड करना है और जब भी हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग को माइनस करना है इस चीज को माइंड में रखिएगा तो देखिए यहां पे कितना कब का रेशियो है तो ये वर्तमान का रेशियो है क्लियर फाइव टू सेवन है है लिखा हुआ इसका मतलब क्या ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब ये वर्तमान का रेशियो तो ये वर्तमान का है और ये बोला है आठ वर्ष पूर्व इतना हो रहा है तो वर्तमान से पूर्व जा रहे हैं तो वर्तमान से पूर्व जा रहे हैं मतलब इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या होगा माइनस होगा इसीलिए माइनस किए कितना आठ वर्ष है तो आठ माइनस किए क्लियर है अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग को एक्स का वैल्यू मिलेगा तो सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो थर्टीन फाइव जा सिक्सटी फाइव एक्स है तो एक्स थर्टीन एट जा वन हंड्रेड फोर सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन एक्स और माइनस सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स अब एक्स वाले को एक साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर आके ये माइनस में हो जाएगा तो फिफ्टीन से नाइन जाएगा कितना हो जाएगा सिक्स अब फाइव से फोर जाएगा वन अब माइनस फिफ्टी सिक्स ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इससे माइनस हो जाएगा तो फोर्टीन से सिक्स जाएगा फोर्टीन से सीख जाएगा तो एट हो जाएगा अभी कितना हो गया नाइन नाइन से फाइव जाएगा तो फोर अब देखिए सिक्सटीन का टेबल में थ्री बार में तो एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स तो का वैल्यू हम लोग को मिल गया अब पूछा किया गया तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी तो वर्तमान आयु का रेशियो क्या दिया है फाइव और सेवन मतलब फाइव एक्स और सेवन एक्स क्लियर है तो फाइव इंटू थ्री करिए और फाइव इंटू सॉरी सेवन इंटू थ्री क्लियर है सेवन इंटू एक्स का वैल्यू थ्री है कितना होगा? फाइव थ्री जो फिफ्टीन सेवन थ्री जहा ट्वेंटी वन तो पंद्रह वर्ष और इक्कीस वर्ष पी का ये हो जाएगा और क्यू का ये हो जाएगा